Hello students, hope you are all right. So once again, welcome to my English class. Today we are going to start block 9, writing to compare, and lesson plan 1 is here, comparatives and superlatives. You will be able to use appropriate comparatives and superlatives to compare two or more nouns. आप टू या उससे ज़्यादा नाउंस को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज़ कर पाएंगे. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. सैलेड इज़ हेल्दियर देन बर्गर्स. विच टू नाउंस आर बीइंग कंपेयर्ड. कौन कौन से दो नाउन यहाँ पे कंपेयर किए गए हैं एंड विच वर्ड इज़ यूज टू कंपेयर. सैलेड इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद बर्गर्स. द एडजेक्टिव हेल्दियर इज़ यूज टू कंपेयर देन. टुडे वी विल यूज़ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू और मोर नाउंस और प्रोनाउंस. Some sentences made by comparing two things. Cakes are more delicious than chocolates. यहाँ पे केक और चॉकलेट्स टू नाउंस को कंपेयर किया गया है एंड हेल्दियर की कंपेरेटिव डिग्री है, सॉरी डिलीशियस की कंपेरेटिव डिग्री है मोर डिलीशियस. शी इज़ लकीयर देन मी बिकॉज शी ऑलवेज गेट्स बेटर ग्रेड्स. सो शी को मी के साथ कंपेयर किया गया है. लकी की सेकेंड डिग्री जो कंपेरेटिव डिग्री है वो लकीयर है. I am more comfortable in t-shirts than in shirts. So jeans और t-shirt को compare किया गया है तो comfortable की second degree more comfortable. Now the sentences made by comparing three nouns are she is the most boring person I have ever met. कि मैं अभी तक जिन भी लोगों से मिली हूँ सबसे boring person है. So most boring is the superlative degree of boring. This is the easiest puzzle to solve. ये सबसे आसान puzzle है सॉल्व करने के लिए. easy की superlative degree easiest. So comparatives, we use comparatives to compare two nouns. जब दो लोगों को दो चीज़ों को compare करते हैं comparatives use करते हैं. superlatives, adjectives use to compare three or more nouns. जब three या उससे ज़्यादा nouns को compare किया जाता है तो superlative use किया जाता है. For example, smart, smarter, smartest. Which adjectives can you use to compare two nouns, three or more nouns, and what are they called? How are they formed? The adjectives used to compare two things are like more delicious, luckier, warmer. And adjectives used to compare three things are most boring, easiest, most interesting. So the adjectives used to compare two things are called comparatives. And the adjectives used to compare three or more things are called superlatives. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जो compare करते हैं, अगर टू थिंग्स को कंपेयर किया जा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी, सेकंड डिग्री यूज़ होगी. और अगर थ्री और मोर थिंग्स को कंपेयर किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ सिंगल सिलेबल वर्ड्स आर यूजुअली फाउंड बाय एडिंग ईआर एंड ईएसटी सच एज हाई, हायर, हाईएस्ट. हाई में ईआर ऐड किया, हायर बन गया. ईएसटी ऐड किया, हाईएस्ट बन गया. वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट. इन एडजेक्टिव्स एंडिंग विद वाई, जो वाई से एंड होते हैं वी ड्रॉप वाई, वाई को रिमूव कर देते हैं एंड एड ई आर एंड ई एस टी सच एज ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट. लाइक ईजी में वाई को हमने रिमूव कर दिया, फिर हमने लगाया ई ए एस आई ई आर, ई ए एस आई ई एस टी. इन सम वर्ड्स वी डबल द लास्ट लेटर सच एज थिन, थिनर, थिनेस्ट. यहाँ पे थिन में लास्ट लेटर देखिए एन आ रहा है जो कि कॉन्सनेंट साउंड है, वॉवल नहीं है, और उसे लास्ट वाले लेटर से पहले यहाँ पे वॉवल आ रहा है आई, तो लास्ट वाले लेटर को यहाँ पे डबल कर दिया. वी यूज़ मोर एंड मोस्ट टू फॉर्म कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स ऑफ लॉन्गर और मल्टी सिलेबिक वर्ड्स सच एज कम्फर्टेबल, मोर कम्फर्टेबल, मोस्ट कम्फर्टेबल. जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको डिग्री फॉर्म करने के लिए हम मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं. सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स सच एज बैड, वर्स, वर्स्ट. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, लाइक बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट. दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टिप फॉर राइटिंग बेटर स्टोरीज. आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस. आपको इसमें एरर आइडेंटिफाई करनी है, क्या मिस्टेक है, व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस. वी ऑलवेज़ यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव. जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं हमेशा उससे पहले द यूज़ करते हैं.
द करेक्ट सेंटेंस इज दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल टिप फॉर राइटिंग स्टोरीज. अदर एग्जाम्पल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. आई एम द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी पर्सन इन द रूम. आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ. नाउ टेक आउट योर S1 एट पेज नंबर 41. रीड द सेंटेंसेज, अंडरलाइन द कंपेरेटिव्स एंड सर्कल द सुपरलेटिव्स. कंपेरेटिव्स को अंडरलाइन करना है, सुपरलेटिव्स को सर्कल करना है. सो विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सो द स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव है यहाँ पे, इसको सर्कल करेंगे हम यहाँ. She is a better player than anyone else on her team. Better second degree है, good की second degree better, तो better comparative है, underline करेंगे. We stayed at the cheapest hotel in the town. The cheapest superlative है, इसको circle करेंगे. I prefer this chair to the previous one. It is more comfortable. More comfortable comparative degree है, इस पर underline करेंगे. We had a great holiday. It was one of the most enjoyable holidays we have ever had. मोस्ट इन्जॉयबल सुपरलेटिव है, सर्कल करेंगे यहाँ. फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स. शी मे बी द डैश गर्ल इन द क्लास. अब पूरी क्लास में कंपेयर किया जा रहा है तो शॉर्टेस्ट आएगा यहाँ पे. आई हैव लर्नड दैट गुड हेल्थ इज डैश देन मनी. हेल्थ और मनी दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है. मोर इम्पोर्टेंट, द पार्ट ऑफ द सिटी इज सपोज टू बी डैश देन द अदर पार्ट्स. और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कंपेरेटिव डिग्री आती है वहाँ पे देन दिया होता है यहाँ पे, तो यहाँ सेफर आएगा. द पिकॉक इज द डैश. अब ये मल्टी सिलेबल वर्ड है यहाँ, तो मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से कंपेयर किया गया है. वॉट इज द डैश स्पोर्ट इन इंडिया, मोस्ट पॉपुलर. माई डॉक्टर सेड दैट आई कैन गो फॉर वर्क टुमोरो इफ आई फील बेटर. This place is not quite enough to work. I am going to search for a quieter place. This chocolate cake is the dish you have ever had. Best. Write the comparative and superlative form of adjectives. Use each of them in your sentence. Bright, brighter, brightest. Scary, scarier. Why go drop karenge? I-E-R, I-E-S-T. Scariest. So she is brighter than Madhurima. राम इज़ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. राम को पूरी क्लास के बच्चों के साथ कंपेयर किया गया है. स्केरी मीन्स डरावना. दिस फेरी टेल इज स्केरियर देन अ हॉरर स्टोरी. लास्ट नाइट आई हैड द स्केरियस्ट ड्रीम ऑफ माई लाइफ.